जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी। आज एक बार फिर से हम माँ चिची देवी जी के दरबार में पहुंचे हुए हैं। सांबा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान है माता रानी का मंदिर, और आज जिस तरह से मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हम आपको एक बार फिर से चिची माता जी के दर्शन कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। और जिस तरह से श्रावण महीना भी एक पवित्र महीना चल रहा है, तो इस महीने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग मंदिरों से आपको जो है दर्शन कराए जाए भगवान भोले बाबा जी के, माता रानी जी के, और लगातार हमारी ये कोशिश जारी है। तो आप दर्शन करें चिची माता जी के और आशीर्वाद प्राप्त करें। और किन्हीं कारणवश जो लोग नहीं आ पाते मंदिरों में, उन्हें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि घर बैठे ही माता रानी के दर्शन कराएं। आप देखिए कि किस तरह से माता रानी का दरबार जो है वो फूलों से सजा हुआ है। माँ देखिए किस तरह से लाल चोले में विराजमान है। अगर आप ऊपर की तस्वीरें देख रहे हैं, नीचे वाली तस्वीरें भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर खूबसूरत जो माता रानी की प्रतिमा है, यहाँ पर पिंडी भी जो है वो स्थापित है माता रानी की। तो ये एक सच्चा शक्तिपीठ है। यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालु जो है वो देश के कोने कोने से आते हैं, और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि कोई त्यौहार होता है तो हम आपको माता रानी के दर्शन अपने चैनल के माध्यम से जरूर कराते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी बात मैं ये आपको बताऊं कि श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चल रही है, तो इस समय देश के कोने कोने से जो यात्री बाबा के दर्शनों के लिए जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं, तो वो बेस कैंप चिची माता में भी रुकते हैं। यहाँ पर वो आकर माथा टेकते हैं और उसके बाद वो आगे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो आप भी दर्शन करें, और हम भी माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करें, और सभी की माता रानी झोलियाँ भरें, और सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, ये हमारी कोशिश लगातार जारी है। लेकिन श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो यहाँ के पुजारी जी से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि पुजारी जी जो है वो क्या संदेश देंगे। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें आप देखें, दर्शन माता रानी के करें। खूबसूरत तस्वीरें माता रानी के दरबार की हैं, और यहाँ पर आप आएंगे आपको सुकून मिलेगा, मन को शांति मिलेगी। ये एक पवित्र देवस्थान है और ये एक चमत्कारी शक्तिपीठ है। तो मेरे साथ यहाँ मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी क्या कहेंगे, एक तो मंगलवार का दिन है और श्रावण महीना चल रहा है, तो श्रावण में ही ये मंगलवार है, तो क्या आपका श्रावण के इस पवित्र महीने पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को संदेश रहेगा? सभी भक्तों को पहले जय माता की। आज जैसे कि आज श्रवण पूर्णिमा भी है, मंगलवार के दिन श्रवण पूर्णिमा भी है और श्रावण महीना चल रहा है। माता रानी का मंगलवार के दिन ये विशेष दिन होता है माता रानी का, और माता रानी से सभी भक्तों को मंगलवार के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। जहाँ तक हो कि मंगलवार के दिन साफ सुथरा और पवित्र रह के माता रानी के दरबार में आए, और अपने आप को माता रानी से यही प्रार्थना करें कि हमारे जो विविधताएँ हैं, हमारे जो भारतवर्ष में विविधताएँ हैं, जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि भगवान जो हैं वो साक्षात हैं, क्योंकि जो इतना पानी बरसा है हर स्टेट में, तो उसे ये शहीद होता है कि जो हमारे भगवान जी ने जो हमसे कोई क्रोपी हुई है तो उसे भगवान हमें क्षमा करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने आप का जो दिनचर्या है और भगवान को भूल के हम लोग कहीं मतलब कि भटक गए हैं, इसलिए जो विपत्तियां हैं हमारे ऊपर आ रही हैं। हमें भगवान से अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान की कृपा हमेशा के लिए बरसने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें सुख शांति में रखें और जो विपत्तियां हैं वो हमारे ऊपर ना आए। बिल्कुल, बड़ा अच्छा संदेश दिया है पुजारी जी ने, और हम भी यही कहेंगे कि अपने देवी देवताओं को सच्चे मन से पूजें, विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें, और कोई अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए आप भगवान से क्षमा मांगे, भगवान प्रसन्न होते हैं। आप देख रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, और उसी पवित्र महीने में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि देवी देवताओं को आपको दर्शन कराएं। इससे पहले भी हम आपको लगातार कोशिश करते हैं कि देवी देवताओं के दर्शन कराते हैं, लेकिन ये खूबसूरत तस्वीरें एक बार फिर से आप देखें चिची माता मंदिर परिसर से, माँ चिची देवी जी के मंदिर की भवन की, इस भव्य स्वरूप की। यहाँ पर माता रानी लाल चोले में विराजमान है, यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं माता रानी के दरबार में माथा टेकने के लिए, दूर दूर से श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो हम भी आपसे कहेंगे कि आप लोग माता रानी के दरबार में ज़रूर आएँ, हर दिन आप ज़रूर जो वो हाजिर यहाँ पर लगाएँ,
और यहाँ पर आकर एक बार फिर कहूँगा कि एक दिल को सुकून चैन मिलता है। हमें अपने देवी देवताओं का मान सम्मान सच्चे मन से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। तो सभी के ऊपर चिची माता जी का आशीर्वाद, सभी जो हमारे देवी देवता हैं उनका आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी की माता रानी से कामना करेंगे। लेकिन कोशिश हमारी जारी है कि मंगलवार हो या कोई त्यौहार हो आपको अलग अलग मंदिरों से दर्शन कराएं, क्योंकि सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म, और हम इस रीत को आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। और आपका भी साथ हमें चाहिए ताकि आपकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर भी हम खरा उतरें और आपके तक अच्छी अच्छी खबरें भी पहुंचाएं और भगवान के अलग अलग मंदिरों से आपको दर्शन भी कराएं। तो आपने दर्शन किए, आप दर्शन कर रहे हैं सांबा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान चिची देवी मंदिर परिसर से माँ चिची देवी जी के, तो आपको ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। जो नहीं आ पाते मंदिरों में उनको हम घर बैठ के ही दर्शन करा रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए जय माता दी।